और मैंने कहना यह था कि फिर से साल के वो दिन आ गए हैं जब पंखा सिर्फ इस वजह से बंद है कि ऑडियो खराब होता है। अगर आप लोग देख लो मैं कैसे बैठा हूँ। हेलो, आई एम सॉरी यू हैव टू सी दोज, यू नो आई नो आई हैव लेग्स जस्ट लाइक अ चिकन। आई एम सॉरी। व्हाट्स अप बिलो द इंटरनेट, माय नेम इज जैनुल आबिदीन, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। आज मैंने नोट्स कॉपी पे नहीं लिखे, कॉपी नहीं क्या है, डायरी है शायद। आज इस पे मैंने कुछ नहीं लिखा। सर फोन पे ब्रो, वी यूजिंग टेक्नोलॉजी दीज डेज ब्रो। हाँ यार, आई नीड टू एड्रेस समथिंग। मेरा छोटा भाई जो है हारिस, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। अगेन 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 रीटेक लाइट्स सिनेरियस को जैसे हैं कि जो मेरा छोटा भाई है हारिस, ही इज एडिक्टेड टू आई वुड से रेसलिंग। हाँ, WWE, जो हर हर बच्चे हर लड़के का फेज होता है। एक जब वो जो चड्डी पहने हुए लड़के, हर हर लड़के का फेज होता है ये, एक जब वो WWE से एडिक्टेड होता है। तो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट डू एन इंटरव्यू विद हिम। अब इंटरव्यू करने के लिए प्रोफेशनल लगना जरूरी है, और प्रोफेशनल लगने से मुराद टाई पहनना। और बाय द वे मुझे टाई पहननी आती है। टुडे वी आर ऑल गैदर्ड हियर टू, वैसे क्यों गैदर, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर ऑल गैदर्ड हियर टू इंटरव्यू अ वेरी स्पेशल पर्सनैलिटी। कौन है? हाँ, आज हम सारे यहाँ पे मिलजुल के बैठे हैं मेरे भाई हारिस का इंटरव्यू करने, एंड टू डिस्कस हिज एडिक्शन टुवर्ड्स रेसलिंग। रेसलिंग आई माइट इवन से WWE, कितना औखा नाम है WWE। खैर, लेट अस ऑल विद वॉर्म हैंड्स वेलकम मोहम्मद हारिस टू द शो। वाह, आइए आइए, आप तो अपना ही घर समझिए, आ जाए। आप बताना चाहेंगे कि सिनेरियोस कैसे हैं? टॉक अबाउट योर एडिक्शन टुवर्ड्स रेसलिंग। एक टाइम सवाल हो गया। सो हार्स, इन द मिक्स्ड ऑफ ऑल ऑफ दिस बोर्डम, आई वुड इवन आस्क पेंडेमिक व्हिच इज कोरोना वायरस, एंड वी ऑल स्टक इनसाइड क्वारंटाइन, एंड वी लाइक ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज टू कीप आवरसेल्फ बिजी, एंड फाइंडिंग न्यू वेज टू कीप आवरसेल्फ बिजी। आई हैव सीन यू वाचिंग WWE अ लॉट ऑफ टाइम्स, एंड नाउ आई फील लाइक दैट यू आर एडिक्टेड टू दैट। सो हाउ विल यू एवर प्रोग्रेस योरसेल्फ इन लीविंग दैट शिप बिहाइंड एंड मूविंग फॉरवर्ड We're not pursuing the dream of moving on as a wrestler. आपको खुद इस बात का मतलब नहीं पता। Can we just take a moment to appreciate? It's appreciate. Can we just take a moment to appreciate कि मैं किस कदर वाहियात तरीके से हंसता हूँ? हारिस, आई एम आफ्टर आपका जवाब सुनने के बाद आई एम सॉरी टू से, लाना तो आप जा। मुझे रिसेंटली इंस्टाग्राम पे किसी ने कहा था तुम इतने लंबे क्यों हो, मुझे नहीं पता। यू मेक ऑल दिस टेक्निकल डिफिकल्टीज। बस आ जा आ जा आ जा आ गया। अच्छा, ऐसे नहीं, इसको जैसे हैं कि कुछ अर्से पहले ना मैंने एक ब्लॉग बनाया था, और वो ब्लॉग सिर्फ अभी तक मेरे तक है क्योंकि अच्छा ब्लॉग नहीं था, लेकिन उसमें कुछ सीन्स थे जो मैंने शेयर करने थे। मैं अब आप लोगों को एक रिजल्ट दिखा दूं कि दिस वाज हाउ आई वाज बिफोर क्वारंटीन और दिस इज हाउ आई एम नाउ। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि क्वारंटीन हैज अफेक्टेड मी अलॉट, यार मेरी बॉडी बहुत फिट हो गई है। और वो तमाम लोग जो मुझे कहते थे पहले कि मैं पतला हूँ, और फिर एक दिन आया जब मुझे किसी ने कहा कि तू पतला नहीं है, तू कमजोर है। अगर अब किसी और ने कहा ना कि यू आर स्लिम या फिर यू आर वीक, आई एम लिटरली गन नॉक यू द फक आउट, आई एम नॉट इवन किडिंग, लाइक लिटरली ब्रो, मतलब ब्रो आई हैव बीन वर्किंग आउट यार, नो जोक।